हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किंग्समैन ईहब पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके स्वास्थ्य के लिए एक ऐसे जो है औषधि गुणों से युक्त एक ऐसा पौधा लेकर आया हूँ। दोस्तों, जो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है ही, लेकिन यह इतने औषधि गुणों से भरपूर है कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप इसे जानते हो, आपने देखा हो या आप इसे ना देखा हो। इसे दोस्तों जिकामा कहते हैं, इंग्लिश में जिकामा और हिंदी में इसे कहते हैं मिश्री कंद। मैं आपको इसके फ़ायदे के बारे में बताऊं, इसके पहले एक आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, इसे वीडियो को लाइक कीजिए तथा दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जिकामा एक ऐसी सब्जी है जिसे आप अपने आहार में शामिल करना पसंद करेंगे, और यह इसलिए अधिक पसंद है क्योंकि यह संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इनमें आपको अपने वजन को कम करने में मदद करना, आपके पाचन में सुधार, विभिन्न प्रकार के कैंसर को रोकने में मदद करना, मधुमेह को रोकने में मदद करता है और आपकी हड्डियों की देखभाल भी करता है। इन सभी के अलावा यह रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, रक्तचाप को कम करता है और आपके मस्तिष्क के लिए भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये जो जिकामा है, जिकामा यानी कि जो मिश्री कंद है, यह जो है एक गोल और बल्ब नुमा जड़ वाली सब्जी है जिसकी उत्पत्ति मैक्सिकन प्रायद्वीप में हुई थी। यह फलियाँ परिवार का हिस्सा है और बेलों पर उगता है। दोस्तों, जिकामा बेल नाम वास्तव में इस सब्जी की बेल का नाम है। हालांकि कंद मूल सबसे अधिक खाया जाने वाला हिस्सा है। इसे चीनी आलू, रतालू, चीनी सलजम या मैक्सिकन आलू के रूप में भी जाना जाता है। इसकी बनावट सलजम के समान होती है, जबकि इसका स्वाद सेब के समान होता है। जिकामा का पौष्टिक मूल्य क्या है दोस्तों? जिकामा कैलोरी में कम लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में उच्च है। यह हमारे शरीर की दैनिक फाइबर आवश्यकता का 1/4 प्रदान करता है। यह विटामिन सी का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है जो हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाता है। इसमें पोटेशियम की स्वस्थ मात्रा होती है जो हमारे दिल को अच्छे आकार में रखने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा जिकामा में फोलेट्स, राइबोफ्लेविन, पायरीडॉक्सिन, पेंटोथैनिक एसिड, थायमिन और खनिज जैसे तांबा, मैग्नीज, मैग्नीशियम और लोहा जैसे विटामिन होते हैं। हालांकि आलू की तरह जिकामा कार्बोहाइड्रेट में समृद्ध है। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जिकामा जो है किन किन चीज़ों में फ़ायदेमंद है। दोस्तों, जिकामा अच्छे बैक्टीरिया के निर्माण में मदद करता है। जिकामा में मौजूद फाइबर में अक्सर ओलिगोफ्रुक्टोज इन लाइन होता है। इस फाइबर में 0 कैलोरी होती है और इसे हमारे शरीर में आसानी से मेटाबोलाइज नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो है ये अच्छे बैक्टीरिया के निर्माण में मदद करता है। इस प्रकार एक संतुलित प्रतिरक्षा और एक स्वस्थ बृहदान्त्र बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, ये जिकामा पाचन में मदद करता है। जिकामा में फाइबर आहार का उच्च स्तर मल को थोक में जोड़ने में मदद करता है और पाचन तंत्र के माध्यम से इसके सुचारू निकास को सुविधाजनक बनाता है और इस प्रकार कब्ज को रोकता है। इसके अलावा इसमें ओलिगोफ्रुक्टोज इंसुलिन होता है जो एक मीठा अक्रिय कार्बोहाइड्रेट है जो सरल शर्करा में नहीं टूटता है। यह मधुमेह वाले लोगों को अपने रक्त शर्करा के स्तर की चिंता किए बिना मीठा भोजन करने की अनुमति देता है। जिकामा रक्तचाप को नियंत्रित करता है। जिकामा पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है जो एक अच्छा वाहिका विस्फारक है, जो यह रक्त वाहिकाओं और धमनियों पर तनाव को कम करके रक्तचाप को विनियमित करने में मदद करता है और जिससे पूरे हृदय प्रणाली पर तनाव कम होता है। पोटेशियम सोडियम के विरोध में हमारे शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने में भी हमारी मदद करता है। जिकामा आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है। विटामिन B6 जिकामा में मौजूद एक पोषक तत्व है जो संज्ञानात्मक क्षमताओं और मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।
विटामिन B6 अन्य प्रोटीन और अमीनो एसिड में शरीर के सभी प्रोटीनों को तोड़ने में मदद करता है, जो विभिन्न अंगों की चयापचय प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस प्रकार अपने आहार में जिकामा को शामिल करने से आपके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिलता है। जिकामा वजन कम करने में आपकी मदद करता है। यह उन लोगों को भोजन में शामिल करना चाहिए जो वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके आहार में कैलोरी में कम है। जिकामा कैलोरी में कम होता है लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें एक स्वस्थ फाइबर आहार की सामग्री भी होती है जो आपकी ज़रूरत पूरी कर देता है और आपको अधिक खाने से बचाता है और इसीलिए आपको वजन कम करने में मदद करता है। दोस्तों, जिकामा हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम करता है। जिकामा में एंटी होमोसिस्टीन गुण साबित हुए हैं और अमीनो एसिड का स्तर कम करने में मदद करता है। होमोसिस्टीन एक अमीनो एसिड है जो दिल और गुर्दे की बीमारियों के कारण के लिए जिम्मेदार है। होमोसिस्टीन के स्तर को कम करके जिकामा इस प्रकार के हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में हमारी मदद करता है। जिकामा रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद करता है। जिकामा में कॉपर और आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के दो महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। वे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त के उचित संचालन को बनाए रखने में मदद करते हैं। जिकामा लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है और इस प्रकार एनीमिया को रोकने में मदद करता है और शरीर के अंगों के समुचित कार्य को उत्तेजित करता है। जिकामा आपके मूड को बेहतर बनाता है। जिकामा में विटामिन B6 होता है जो हमारे मूड को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार ट्रांसमीटरों पर सीधा प्रभाव डालता है। ये अवसाद, चिंता, थकान और दर्द को रोकने में मदद करते हैं। इस प्रकार जिकामा का सेवन विटामिन B6 हमारी शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है और इस प्रकार हमारी मनोदशा को बढ़ाता है। जिकामा हमारी हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है। जिकामा मैग्नीज, मैग्नीशियम, लोहा और तांबा जैसे खनिजों में समृद्ध है जो हमारी हड्डियों के घनत्व को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इस प्रकार जिकामा का सेवन हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है और यहाँ तक कि उन्हें किसी भी तरह की क्षति होने से बचाता है। जिकामा हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन सी जो हमारे शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है, जिकामा में अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो इसे हमारे शरीर में मुक्त कणों के कारण होने वाली बीमारी से लड़ने में सक्षम बनाते हैं और कैंसर और हृदय रोगों की शुरुआत को रोकते हैं। विटामिन सी बैक्टीरियल, वायरल, रोगजनक और फंगल रोगों को रोकने में मदद करता है, इसलिए शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं हम कि जिकामा के उपयोग कैसे इसका उपयोग करें। जिकामा एक बहुमुखी सब्जी है और सलाद, स्लाव, सूप और अन्य सब्जियों और फलों जैसे कि संतरे, सेब, गाजर और प्याज के साथ उपयोग करने के लिए बहुत अच्छा है। आप इसका विभिन्न प्रकार से सेवन कर सकते हैं। आप इसे काट सकते हैं, इसे क्यूब कर सकते हैं, इसे अच्छी तरह से पीस सकते हैं, इसे कच्चा खा सकते हैं या इसे पका सकते हैं। सब्जी भी आप इसकी बना सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जितने भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों के जो है एलर्जी या साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जड़ों के अलावा जिकामा पौधे के अन्य हिस्सों जैसे पत्ते, लताओं और फूलों में एक विषैला पदार्थ होता है जिसे राटोन कहा जाता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि जड़ों के अलावा किसी और चीज़ का सेवन न करें। जिकामा में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसलिए इसके अधिक सेवन से पाचन संबंधी विकार जैसे कब्ज और पेट में दर्द हो सकता है। जिकामा के बाहरी छिलके खाना लोगों के लिए यह उचित नहीं है क्योंकि अत्यधिक विषाक्त यौगिक इसमें होते हैं, इसलिए हमेशा जिकामा के बाहरी छिलके को बाहर निकाल देना चाहिए। दोस्तों, किसान जो है जिकामा की खेती भी करते हैं। जिकामा मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका का मूल निवासी है और इसकी फलियों को मध्य अमेरिका में सदियों से खाया जाता है। स्पेन के लोग मैक्सिको से फिलीपींस में जिकामा लाए और यहाँ से यह चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। लंबे समय से आहार और औषधीय आवश्यकताओं के लिए इसकी खेती और खपत की गई है। जिकामा पौधे को बिना ठंड के 6 से 8 महीने का समय लगता है उगने के लिए और इसलिए इसकी मुख्य रूप से गर्म मौसम में खेती की जाती है। इस प्रकार मैक्सिको और उसके आसपास के क्षेत्र में इस सब्जी की खेती के लिए एकदम सही है। इस पौधे का बीज उस क्षेत्र में सबसे अच्छा बढ़ता है जो प्रतिदिन न्यूनतम 6 से 8 घंटे सूरज की रोशनी प्राप्त करता है। इस संयंत्र के लिए अच्छी तरीके से
सूखा और क्षारीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो जिगामा है, जिसे आप रतालू भी कहते हैं, जिसे आप मिश्री कंद भी कहते हैं, यह जो है औषधीय गुणों से भरा हुआ है। अगर आपको कहीं यह मिल जाता है तो आप इसे ज़रूर खरीद लीजिए और इसका आप सेवन करिए और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जो है आप मुक्त हो जाइए। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य आपके स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को बेहतर बनाना है। आप जो है इसमें मेरा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हो सके तो इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, कुछ और औषधियाँ लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय।